शहर योगा का सेशन है। कल मैंने बताया था, आज भी अगर मैडम आवाज बहुत कम आ रहा है। फ्रेंड्स, वो थोड़े देर के बाद हो जाता है रेगुलराइज, बस वेट फॉर 2 मिनट्स, फिर वो आ जाएगा रूलिंग में। ओके, चेयर जिन्होंने अरेंज नहीं किया है प्लीज चेयर अरेंज कर लीजिए। तब तक मैं चेयर पे बैठ के आसन करने के बेनिफिट्स बता देती हूँ। चेयर अगर नहीं अरेंज कर पाए हैं, कोई स्टूल हो, स्टडी स्टूल, तो वो अरेंज कर लीजिए, प्रेफरेबली चेयर, ना ही हो सके तो स्टूल, वरना आप आज का सेशन कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज चेयर पे जल्दी से बैठ जाइए। तो चेयर योगा, वैसे तो हम नॉर्मल योगा नीचे मैट पे बैठ के करते हैं और वो ही सबसे सही फॉर्म ऑफ योग है, पर अगर किसी कारण से हम मैट पे नहीं बैठ सकते हैं, जैसे कई बार सीनियर सिटीजंस को या किसी को भी घुटने में तकलीफ होती है और फोल्ड करके नीचे नहीं बैठ सकते, कई बार कोई सर्जरी के बाद या कोई सिम्टम्स होने से कोई पर्टिकुलर नीचे बैठ के योग नहीं किया जा सकता, लोग चेयर पे बैठ के इजीली काफी सारे आसन कर सकते हैं और सभी आसनों के बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। सभी लोग चेयर योगा कर सकते हैं, या फिर आज जैसे हम एक चेंज के लिए कर रहे हैं, एक वेरिएशन के लिए कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बीच बीच में आजकल जो वर्क फ्रॉम होम मोस्टली लोग कर रहे हैं, बीच में ब्रेक लेके थोड़े से आसन करके रिलैक्स करके वापस काम पे आ जाए, ऐसा उसके लिए भी चेयर योगा बहुत यूजफुल है। और कभी भी घर पे लिमिटेड स्पेस हो, ज्यादा जगह नहीं हो, तो सिर्फ एक चेयर पे बैठ के थोड़ी सी जगह सामने और साइड में बना के हम इसके पूरे बेनिफिट्स, जो आसन हम करेंगे चेयर पे बैठ के, उसके पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले दो लंबी श्वास प्रश्वास करेंगे। लेट्स स्टार्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, स्लोली एक्सहेल। फिर से बाकी सब जगह से ध्यान डिस्कनेक्ट करते हुए, बाकी सब जगह से ध्यान हटाते हुए अभी यहाँ प्रेजेंट मूवमेंट में आएंगे। Take a deep breath, inhale, slowly exhale. Deep breath, inhale, slowly exhale. और हैंड्स के थोड़े वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ साइड में, ऊपर क्लैप एंड बैक, क्लैप एंड बैक। यस, कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. 8 lambi saans. अब similarly दोनों हाथ सामने, साइड में और सामने, साइड में और सामने, एंड कंटिन्यू। 1, 2, ऐसे नहीं, कंधों की सीध में हाथ रखिए, नीचे नहीं, शोल्डर्स की लाइन में। 3, 4, क्लैप। 5, 6, 7, 8, 9, गुड। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Slowly, heart beat, relax. Take a long breath.
और धीरे धीरे कंधे रोटेट करेंगे, पूरे रोटेट, आगे से पीछे कंप्लीटली, शोल्डर्स रोटेट, ओनली 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और रिवर्स रोटेट, पीछे से आगे रोटेट, पीछे से आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स। एक और हाथ का लास्ट हाथ का वार्म अप। दोनों हाथ फिर से कंधों की सीध में स्ट्रेट, बिल्कुल राइट हाथ स्विंग करेंगे, पूरा राइट हाथ लेफ्ट हाथ तक लाएंगे, क्लैंप और वापस, क्लैंप और वापस, कंटिन्यू। 1, वेरी गुड, 2, 3, एल्बो स्ट्रेट रखिए, कोहनिया सीधी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। रिलैक्स, एक लंबी सांस। फिर से एक बार हाथ साइड में सेम, और अब लेफ्ट हाथ से राइट पे क्लैप करेंगे और वापस, लेफ्ट हाथ से राइट पे क्लैप और वापस, एंड कंटिन्यू। 1, 2, 3, कोहनिया सीधी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स, गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और अब हम फर्स्ट आसन, जो मॉर्निंग में करने के लिए सबसे अच्छा आसन है, हमने देखा था पवन मुक्त आसना, उसको चेयर पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। मेक श्योर कि आपका चेयर एकदम स्टर्डी है, ओके? चेयर हिल रहा नहीं है, रॉक नहीं करना है, बिल्कुल मजबूत है, वो आप चेक कीजिए, ठीक है? अब आपका राइट लेग उठा के ऊपर ले लीजिए चेयर पे, फोल्ड, राइट लेग ऊपर चेयर पे फोल्ड, दोनों हाथ साइड में, और दोनों हाथों से ये पैर को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से राइट पैर को ऐसे पकड़ लीजिए, और धीरे धीरे माथा जो है वो राइट घुटने पे लगाइए, पेट पे दबाव में होता हुआ होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, सिर्फ गर्दन ऊपर लीजिए,
और लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रखिए, उतना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, उतना सीधा है, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा, और फिर से माथा राइट घुटने पे लगाने की कोशिश, पेट पे खिंचाव महसूस कीजिए, दोनों पैरों में खिंचाव महसूस कीजिए, एंड होल्ड, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, मैं टाइम देख रही हूँ। एक बार और लंबी श्वास प्रश्वास के लिए होल्ड करेंगे, होल्ड कीजिए, 3 2 1, धीरे धीरे गर्दन ऊपर, लेफ्ट पैर नीचे, हाथ खोल के साइड में, धीरे से हाथ नीचे और राइट पैर नीचे, एक लंबी सांस। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, पेट में गैसेस को रिलीज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए पवन मुक्त आसना, दूसरे साइड देखेंगे। धीरे से लेफ्ट लेग ऊपर ले लीजिए, जैसे राइट लिया था सेम वैसे लेफ्ट लेग ऊपर ले लेंगे, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथों से पैर को होल्ड करेंगे और धीरे से माथा लेफ्ट घुटने में लगाने की कोशिश, होल्ड, धीरे से माथा ऊपर, सिर्फ सिर उठाइए, राइट लेग स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, राइट लेग बिल्कुल तना हुआ, मसल्स पूरे टाइट, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, मसल्स बिल्कुल टाइट, और फिर से माथा लेफ्ट घुटने पर, होल्ड, 1 मिनट के लिए होल्ड, मैं समय देख रही हूँ। तीन बार और लंबी श्वास प्रश्वास के लिए होल्ड करेंगे, 3 2 1, धीरे से गर्दन ऊपर, राइट पैर नीचे, दोनों हाथ खोल के साइड में, धीरे से नीचे और लेफ्ट पैर नीचे, रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स, गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास,
और धीरे से सांस लेते हुए, अगली सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधे ऊपर, हस्त पादासन के लिए खुले रखिए, क्रॉस नहीं करना है, स्ट्रेट, और धीरे धीरे सामने झुकेंगे। अब जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, अगर कमर में कोई तकलीफ है और यहीं तक झुक सकते हैं तो यहाँ तक झुकिए, थोड़ा और झुक सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर कंप्लीट झुक सकते हैं पूरा फ्लोर तक टोज को टच करते हुए तो पूरा झुकने की कोशिश कीजिए। आइडियली पूरा टोज को टच करना है, हस्त पादासन, पैर हाथों को लग रहे हैं, लेकिन आपको अगर कमर की कोई भी दिक्कत है तो आप कम झुकिए और होल्ड कीजिए हस्त पादासन में। पीठ पे मसल्स को स्ट्रेंथन करता हुआ, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता हुआ, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने वाला, अगेन मॉर्निंग में करने के लिए बहुत अच्छा आसन, हस्त पादासन में होल्ड करेंगे। पांच बार लंबी श्वास प्रश्वास के लिए होल्ड करेंगे। मैं काउंट करूंगी और हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ, कीप होल्डिंग, लेट्स स्टार्ट, वन, एक डीप ब्रेथ, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स, वन डीप ब्रेथ, वन मोर डीप ब्रेथ, और एक फर्स्ट आज का प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, शीतली प्राणायाम, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, मोस्टली शीतली मतलब ठंडा करता हुआ, तो बॉडी और माइंड दोनों को काम करता हुआ, दोनों को ठंडक देता हुआ शीतली प्राणायाम, पेट में ठंडक देता हुआ, एसिडिटी से रिलीफ देने वाला शीतली प्राणायाम अभी हम देखेंगे। मुंह खुला रखिए और जीभ का गोलाकार बनाइए ऐसे, ठीक है, मुंह को गोल रखते हुए जीभ बाहर रखेंगे, जीभ का गोलाकार बनाएंगे, मुंह से गहरी और लंबी सांस लेना है, मुंह से जीभ के थ्रू, और मुंह बंद करके धीरे से नाक से प्रश्वास। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुंह का गोलाकार बनाते, जीभ का गोलाकार बनाएंगे, मुंह से गहरी और लंबी सांस लेंगे, पूरी हवा महसूस करते हुए, गले से लेकर पेट तक आपको एक्चुअली फील होगा, पूरी हवा फील कीजिए गले से लेकर पेट तक। लेट्स स्टार्ट, इनहेल फ्रॉम द माउथ थ्रू द टंग, मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास, मुंह का गोलाकार बना के, जीभ का गोलाकार बना के, जीभ से गहरी और लंबी सांस गले से लेकर पेट तक महसूस करते हुए, मुंह बंद करके नाक से धीरे से प्रश्वास, कंटिन्यू, से गहरी लंबी सांस, नाक से प्रश्वास, मुंह से गहरी और लंबी सांस, हवा फील करते हुए गले से लेकर पेट तक फील करते हुए, नाक से प्रश्वास। अब आंखें बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप से शीतली प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स कंटिन्यू शीतली फॉर 1 मिनट। मैं समय देख रही हूँ, बिल्कुल आराम से
बॉडी हीट को रिड्यूस करेगा शीतली। आराम आराम से आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सिर्फ लेट्स स्टार्ट शीतली। लास्ट टाइम शीतली, एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को चेयर के दोनों तरफ स्प्रेड आउट कर देंगे, ऐसे चेयर के दोनों साइड दोनों पैर लेने के, दोनों हाथ साइड में त्रिकोण आसन के लिए रेडी। मेक श्योर आपकी चेयर स्टडी है ना, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपकी राइट साइड झुकेंगे। फिर से जितना आप झुक सकते हैं उतना, इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अगर कोई कमर में तकलीफ नहीं है तो पूरा नीचे तक हाथ रखने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हाथ ऊपर है, राइट हाथ नीचे फ्लोर पे है, और गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। त्रिकोण आसन अब हमने मैट पे भी किया है और चेयर पे भी किया है, तो हम चेंज नोटिस कर सकते हैं इसमें भी कितना खिंचाव आ रहा है। पेट पे लैटरली, दोनों पैरों पे, हाथों पे, सारी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करता हुआ त्रिकोण आसन 10 डीप ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे। हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ लेंगे। रेडी, लेट्स स्टार्ट। 1, लंबी सांस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। धीरे धीरे गर्दन पहले, जल्दी मत कीजिए, गर्दन पहले सेंटर में लाइए और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए, क्योंकि हमें कहीं जर्क्स नहीं देने हैं, इसलिए हमें आराम से करना है, हमें कहीं झटके नहीं देने। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स, 1 डीप ब्रेथ। नेक्स्ट सांस लेते हुए दोनों हाथ राइट एंगल्स पे फिर से, और नेक्स्ट सांस छोड़ते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, हमारी बॉडी हमको मालूम है तो उतना ही हम झुकेंगे। लेफ्ट साइड पे हाफ, थोड़ा ज्यादा या कंप्लीट, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम बेंड होंगे, और धीरे से गर्दन मोड़ के ऊपर राइट हाथ की तरफ देखेंगे। फील करेंगे पहले स्ट्रेच कहाँ कहाँ फील हो रहा है, दोनों हाथों में, कमर पे लैटरली, जंगा में, दोनों पैरों में स्ट्रेच फील करते हुए 10 डीप ब्रेथ्स लेंगे। हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ।
वन डीप ब्रेथ, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। धीरे से पहले गर्दन को सेंटर मिलाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सेंटर में आएंगे। लंबी सांस और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। सारे मूवमेंट स्मूथली स्विफ्टली, डीप ब्रेथ्स। रिलैक्स। अब ध्यान से हम वीरभद्रासन की तरफ मूव करेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों जो पैर हैं वो थोड़े थोड़े राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम सेंटर में बैठे हैं, जस्ट स्लाइटली ऐसे राइट साइड आप शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी राइट साइड। ठीक है, फिर से बताती हूँ, ये सेंटर में हम बैठे थे, अब थोड़ा सा आप राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। राइट साइड शिफ्ट होने के बाद राइट पैर को सीधा कर लीजिए। राइट साइड शिफ्ट हो गए, राइट पैर सीधा, और लेफ्ट पैर की जो जंगा है, लेफ्ट पैर का जो थाई है वो चेयर पे अच्छे से रेस्टेड है। ठीक है, सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, फिर से कंधों की सीध में दोनों हाथ। दोनों हाथ नमस्कार में, और धीरे से आपके लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। कमर से हम सेंटर पे थे, धीरे से सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे कमर से लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। होल्ड, राइट पैर बिल्कुल तना हुआ है, टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, राइट पैर सीधा है, बिल्कुल तना हुआ, सारे मसल्स टाइट। होल्ड, और धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर ले लीजिए, बिल्कुल ऊपर, और स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, खींचिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचिए, मैक्सिमम खींचिए कमर में, खिंचाव महसूस करते हुए शरीर में तनाव, दोनों हाथों में, कमर में, दोनों पैरों में पूरा तनाव, फुल बॉडी स्ट्रेच करते हुए वॉरियर पोज में होल्ड कीजिए। 1 मिनट के लिए मैं समय देख रही हूँ, होल्ड फॉर 1 मिनट। हाथों को ऊपर तना हुआ रखिए, दोनों पैरों में खिंचाव है, कमर में खिंचाव है। होल्ड, 5 डीप ब्रेथ के लिए और होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे पहले हाथ नीचे लेके आएंगे नमस्कार में,
और बिल्कुल धीरे कमर से, अब बिल्कुल धीरे धीरे सेंटर में टर्न होके, बिल्कुल धीरे दोनों हाथ साइड में, दोनों सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और धीरे से वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे. वन डीप ब्रेथ. वन मोर डीप ब्रेथ. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा कमर से राइट साइड टर्न हो जाएंगे, हल्का सा कमर से राइट साइड, पार्श्वतनासन के लिए धीरे धीरे फिर से सामने झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं. घुटने तक हाथ पहुंचते हैं तो उतना ही झुकिए, थोड़ा नीचे एंकल तक हाथ पहुंचते हैं तो वहां तक, और कंप्लीट झुक सकते हैं तो कंप्लीट झुकेंगे. फिर से बैक मसल्स के लिए ये आसन होल्ड. जो लोग पूरा झुक सकते हैं वो कोशिश करेंगे माथा घुटने को लगाने की. जो लोग हाफ पे झुके हैं इट्स ओके, वेरी गुड, वहां तक ही झुके. जो पूरा झुके हैं वो कोशिश करेंगे कि माथा राइट घुटने को लगाएं एंड होल्ड. ओनली 30 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे. रेडी लेट्स स्टार्ट. लास्ट टू डीप ब्रेथ्स के लिए होल्ड. टू एंड वन. धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, वापस सेंटर में आ जाएंगे और हाथ नीचे. वेरी नाइस. टू डीप ब्रेथ्स. सेम पार्श्वतनासना दूसरे साइड रिपीट करेंगे. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा लेफ्ट साइड कमर से टर्न हो जाएंगे और बिल्कुल आपके कंफर्ट के हिसाब से सांस छोड़ते हुए जितना बेंड कर सकते हैं बिना कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती के. मैक्सिमम आप जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बेंड कर सकते हैं उतना बेंड. अगर पूरा बेंड कर सकते हैं नीचे फ्लोर तक तो कोशिश करेंगे कि माथा घुटने को लगे एंड होल्ड. ओनली 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड. मैं समय देख रही हूँ. लास्ट टू डीप ब्रेथ्स के लिए टू एंड वन. धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, वापस सेंटर में और हाथ नीचे. रिलैक्स. टू डीप ब्रेथ्स. अब वीरभद्र आसन दूसरे साइड करेंगे. दोनों पैर लेंगे, स्लाइटली आपके लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए. दोनों
स्लाइटली बॉडी को सेंटर में बैठे थे, स्लाइटली आपके लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए और लेफ्ट पैर को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट पैर सीधा और राइट पैर जो है राइट पैर की जगह राइट पैर का थाए चेयर पे अच्छे से रेस्टेड है, लेफ्ट पैर सीधा है, टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, पैरों के पूरे मसल्स तने हुए हैं, बिल्कुल टाइट है, दोनों हाथ साइड में, नमस्कार में, धीरे से वेरी वेरी स्लोली राइट साइड, आपके राइट साइड कमर से टर्न हो जाएंगे, दोनों हाथ जो है वो सिर के ऊपर ले लेंगे, बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को जुड़े हुए ऊपर ले लेंगे, सिर्फ सिर के ऊपर और हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, आप स्ट्रेच कीजिए पूरा ऊपर, मैक्सिमम जितना ऊपर ले सकते हैं उतना दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, दोनों हाथों पे पूरी बॉडी पे तनाव महसूस करते हुए होल्ड कीजिए 1 कंप्लीट मिनट के लिए, मैं समय देख रही हूँ, टाइट बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट पैर टाइट है, तना हुआ बिल्कुल, कमर में खिंचाव है, होल्ड कीजिए, सारी बॉडी के मसल स्ट्रेच्ड, होल्ड, लास्ट 5 डीप ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1, धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे नमस्कार में, और कमर से बिना कोई जर्क्स देते हुए बहुत ही स्मूथली वापस सेंटर में आ जाएंगे, दोनों हाथ साइड में खोल के सीधे, दोनों हाथ धीरे से नीचे और बिल्कुल स्मूथली सेंटर में शिफ्ट हो जाइए वापस, दोनों पैर मिला लीजिए, एक लंबी सांस, और सेकेंड हमारा प्राणायाम, हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग सुख क्रिया स्टार्ट करेंगे, हमने देखा था इसको पहले भी, हाथ राइट हाथ लेंगे और छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे, राइट हाथ का छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे, बाकी 3 फिंगर्स जुड़ी हुई है, ठीक है, और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, राइट नथुना बंद कर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद कीजिए, राइट खोल दीजिए, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट नथुना बंद, लेफ्ट नथुना ओपन, लेफ्ट से एक्सहेल,
लिफ्ट से लंबी श्वास, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, राइट क्लोज लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, और अपने आप से कंटिन्यू कीजिए खुद से, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, कंटिन्यू ऑन योर ओन, कंटिन्यू। धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा, रिलैक्स, वन डीप ब्रेथ, बैक पेन रिलीफ के लिए और अब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में जो क्रैम्प्स आते हैं उससे रिलीफ के लिए एक बहुत अच्छा आसन है जो हम नेक्स्ट देखेंगे, मांजर आसन। पीठ सीधी रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पे रख दीजिए, बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ घुटनों पे, ठीक है। अब सिर्फ आपको दिखे इसलिए मैं चेयर पे शिफ्ट हो रही हूँ, शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी, एक लंबी सांस लेंगे, मांजरी आसन मतलब कैट जैसे, धीरे धीरे गर्दन पूरी नीचे, चिन टचिंग द चेस्ट, पूरी गर्दन नीचे और पीठ पीछे की तरफ, पीठ बाहर की तरफ पुश करेंगे। आ जाइए सांस छोड़ते हुए, गर्दन पूरी नीचे और पीठ पूरी पीछे की तरफ पुश करेंगे, फोल्ड, धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पूरी पीछे
छाती और पेट बाहर की तरफ पुश करेंगे, होल्ड, फिर से बिल्कुल धीरे गर्दन के मूवमेंट्स, सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे, चिन चेस्ट को टच करेगा, खुद्दी चेस्ट को टच करेगी छाती को, और बैक बैकवर्ड्स फीट को पीछे की तरफ ढकेलिए, होल्ड, धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पूरी पीछे, छाती और पेट बाहर की तरफ, पुश, होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे, होल्ड, सांस लेते हुए गर्दन पर, छाती और पेट बाहर की तरफ, होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे, होल्ड, और एक लास्ट बार फिर से एक राउंड करेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, छाती और पेट मैक्सिमम बाहर की तरफ, पुश, होल्ड, ऐसे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे की तरफ, होल्ड, एंड सिट, धीरे से गर्दन सेंटर में और पीठ सीधी, टू डीप ब्रेथ्स, दोनों पैरों को थोड़ा सा कंफर्टेबली फैला दीजिए, पीठ को टेका दीजिए पीछे, पीठ अच्छे से बैक रेस्ट पे चेयर के टेक के रखिए, दोनों पैरों में हल्का कंफर्टेबल अंतर और दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि रिसीविंग हो इसलिए दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद और गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई, चिन डाउन, एक गहरी लंबी सांस, पूरा पेट मैक्सिमम फुलाते हुए गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, पूरा पेट धीरे धीरे अंदर खींचते हुए, गहरी लंबी सांस, अब्डोमिन को मैक्सिमम एक्सपैंड करते हुए,
धीरे धीरे प्रश्वास पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर खींचते हुए, फिर गहरी लंबी सांस पेट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करते हुए, धीरे प्रश्वास पेट को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, और आंखें बंद ही रखते हुए आसपास जो भी साउंड्स हैं, जो भी आवाजें आ रही हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए वन बाय वन, बिल्कुल ध्यान देते हुए। क्या सुन पा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, आसपास जो भी आवाजें हैं उन पे। आंखें बंद ही रखते हुए जो रूम में आप बैठे हैं, वो रूम को विजुअलाइज कीजिए, याद कीजिए। आंखें बंद रखते हुए जो रूम में आप बैठे हैं, एक कॉर्नर से चालू कीजिए और मैक्सिमम डिटेल्स वो रूम की याद करने की कोशिश कीजिए। एक कॉर्नर से चालू कीजिए रूम और क्लॉकवाइज जाते हुए सेम कॉर्नर पे वापस आइए। जो रूम में आप बैठे हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम डिटेल्स आंखें बंद रखते हुए। एंड रिलैक्स, वापस ध्यान पूरा श्वास प्रश्वास पे ले आइए। आंखें बंद ही रखिए, श्वास प्रश्वास बिल्कुल धीमी गति से चल रही है, ब्रीदिंग रेट बिल्कुल स्लो है, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, कंप्लीट बॉडी काम एंड रिलैक्स्ड। इसी तरह शिथिलता के साथ, कामनेस के साथ आगे के दिन की शुरुआत करेंगे। लेट्स वेलकम द डे अहेड विद अ स्माइल ऑन आवर फेस, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। दोनों हथेलियां मिलाइए और मल के आंखों पे रखिए। और धीरे धीरे जैसे आपको कंफर्टेबल हो धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल एडजर्न आवर सेशन फॉर टुडे। ओवर टू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू सो मच मैडम फॉर टुडेज सेशन ऑन चेयर योगा। एनी क्वेश्चन? Yeah, I would like to tell about tomorrow's session also.
यस मैम प्लीज। तो कल जैसे आज हमने चेयर के साथ देखा, वैसे कल हम वॉल के साथ योग करना देखेंगे। कुछ आसन है जो वॉल के सपोर्ट से बहुत इजीली बहुत आसानी से हो सकते हैं, तो कल हम वॉल योगा देखेंगे। ऐसे कोई वॉल के पास आ जाइए, आप अरेंजमेंट करके रखिएगा वॉल के पास कोई भी, और 3-4 फीट का जगह हो, सामने और साइड में कोई सामान नहीं हो उसको सरका दीजिए, और मैट ऐसे लगा हुआ रखिए जैसे रखा हुआ है वैसे, चेयर नहीं रहेगा, सिर्फ मैट जो है वो वॉल को लगा हुआ ऐसे, और कैमरा कोई भी एक साइड पे रखिएगा, राइट या लेफ्ट। अभी जैसे फ्रंट में रखा हुआ है कैमरा मेरे, तो आप राइट या लेफ्ट साइड में कैमरा रखिएगा, ठीक है? मैं एक बार बता देती हूँ, ऐसे मैट आपका वॉल पे लगा हुआ है, ऐसे हम खड़े होंगे तो सामने कैमरा रखेंगे, या इस तरफ या इस तरफ कैमरा रखेंगे, और वॉल के पास मैट लगा देंगे, साइड में और सामने थोड़ी जगह रखेंगे। बस ये कल के इंस्ट्रक्शंस थे, कल हम वॉल के साथ कुछ आसन देखेंगे। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच मैडम, गुड डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।